वेलकम बैक टू द वीडियो। शुरू बात करें इंस्टाग्राम पर स्टोरी व्यूज कैसे बढ़ाए। जी हाँ गाइस, आप में इसका अक्सर बंदे ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरी पर 10 20 50 व्यूज आते हैं, फिर मतलब 50 100 व्यूज आते हैं, उससे ज़्यादा व्यूज उनके नहीं आते हैं। तो अगर आपके अकाउंट पर भी मतलब कुछ ऐसा ही सीन है, आपके फ्लोर ज़्यादा हैं, 400 500 1000 2000 फ्लोर है, लेकिन आपके मतलब व्यूज बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो भाई ऐसे में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा भाई कैसे आप अपनी स्टोरी को वायरल कर सकते हो। जिस तरह से आपकी रील्स वायरल होती है ना एंड आपके फ्लोर्स बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से जब कभी आपकी स्टोरी वायरल होती है तो भाई ऐसे में आपके स्टोरी व्यूज तो बढ़ते ही हैं, साथ ही काफी लोग आपके अकाउंट को विजिट करके आपको फॉलो भी करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे भाई कैसे आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को वायरल कर सकते हो, या फिर स्टोरी लगाते समय आपको ऐसी कौन सी ट्रिक लगानी होती है जिससे आपकी स्टोरी वायरल हो जाए, फिर स्टोरी पर ज्यादा व्यूज आए, सब कुछ जानते हैं आज के छोटे से वीडियो में। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देखें, मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देता है। अब गाइस यहां पर आप देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको अपनी स्टोरी पर लेकर चलता हूं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने स्टोरी क्या घंटे पहले ऐड किए, 8 घंटे पहले, एंड स्टोरी कितने घंटे के लिए लगती है, 24 घंटे के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस स्टोरी की व्यूज चेक करा देता हूँ। इस स्टोरी पर 12,900 व्यूज आ चुके हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको सेकेंड स्टोरी दिखाता हूँ। सेकेंड स्टोरी भी यहाँ पर हमने 8 घंटे पहले लगाई थी, एंड इस स्टोरी पर 10K प्लस व्यूज आ चुके हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको थर्ड स्टोरी दिखा देता हूँ। इस स्टोरी पर यहाँ पर हमारे 10K होने वाले हैं, 10K व्यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10K प्लस व्यूज आ रहे हैं, हालांकि मेरे अकाउंट पर भले मतलब फ्लोर ज्यादा है, ठीक है भाई, 1 लाख से ज्यादा फ्लोर है या फिर 2 लाख के लगभग मेरे फ्लोर है, बट यहां पर व्यूज कितना देते, 3-4 हजार व्यूज आते हैं, ठीक है। एंड ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, आप में इसका अवसर बंद ऐसे होंगे भाई जिनके अकाउंट पर लाखों में फ्लोर होंगे, लेकिन उनके स्टोरी व्यूज बहुत कम आते हैं, 3-4 हजार व्यूज आते हैं, फिर 5-6 हजार ही व्यूज आते हैं फ्लोर, चाहे फिर उनके जितने भी हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है, आपके फ्लोर मतलब बहुत ज्यादा है लेकिन आपके स्टोरी व्यूज थोड़े बहुत ही आके अटक जाते हैं, फिर आपकी स्टोरी पर व्यूज बढ़ते ही नहीं है, तो भाई ऐसे में यहां पर आपको अपने अकाउंट पर ये सब ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि अगर वो सब ट्रिक यहां पर आप अपने अकाउंट पर अप्लाई करोगे भाई, ऐसे में आपकी स्टोरी पर व्यूज तो बढ़ेंगे, साथ ही आपका अकाउंट भी ग्रो होगा, साथ ही आपके फ्लोर्स भी बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देख लो, ये मैंने आपको दिखा दिया, पहले मेरे व्यूज कितने आते थे, मैंने आपको बताया 3-4 हजार, ठीक है। एंड अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको बैक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको लेकर चलता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, क्योंकि प्रोफेशनल डैशबोर्ड से यहाँ पर मैं आपको सारा डेटा दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है, कंटेंट यू सेट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देता है। अब यहाँ पर आपका लास्ट 30 डेज का सारा डेटा शो कर देता है, आखिर आपने मतलब कितने रील्स वीडियो को अपलोड किया, एंड साथ ही यहाँ पर टॉप में वो सब रील्स वीडियो शो करती है जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए होते हैं, जैसे कि हमारी इस महीने में, ठीक है, यानी कि जो पिछले 30 दिन गए, पिछले 30 दिनों में कितनी रील्स वायरल हुई वो सब यहां पर शो कर रहा है, यानी कितनी स्टोरी वायरल हुई एंड कितनी रील्स वायरल हुई। हालांकि मैंने पिछले महीने में कोई ज्यादा रील्स वीडियो को अपलोड नहीं किया है, 4 से 5 या फिर मतलब मुश्किल से 10 रील्स वीडियो को अपलोड किया होगा। एंड यहां पर आप देख सकते हो 3 मिलियन व्यूज है, फिर 2 मिलियन व्यूज है, 27 हजार व्यूज है, फिर ऐसे करके यहां पर काफी मतलब स्टोरी भी वायरल हुई है, ठीक है। ये तो हो गई मतलब रील्स की बात। अब यहां पर बात करते हैं कि हम यहां पर स्टोरी व्यूज कैसे चेक कर सकते हैं पिछले 30 दिनों के। एंड यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पहले कितने व्यूज आते थे एंड अभी के टाइम में ये ट्रिक लगाने के बाद कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहां पर ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहां पर आपको काफी सारी कैटेगरी मिल जाएगी, यानी कि यहां से आप किस चीज का डेटा देखना चाहते हो या फिर किस चीज की इनसाइट देखना चाहते हो, किस चीज के व्यूज चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर हमें स्टोरी के व्यूज को चेक करना है, तो हम सिंपल यहां पर स्टोरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम स्टोरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आप देखिए टॉप में जो आपको स्टोरी शो कर रही है, ये मतलब मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है, ठीक है, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए पिछले 30 दिनों में। वहीं पर मैं आपको सबसे नीचे की तरफ लेकर चलता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था यहां पर 1200-1100 मतलब वही सब व्यूज आ रहे थे, साथ ही यहां पर 1500-3000-4000 या फिर हद से अदवाई 6000 गए हैं। लेकिन जब से मैंने ट्रिक लगाई है, आप यहां पर स्टोरी के व्यूज चेक कर सकते हो, यानी कि यहां पर जितनी भी स्टोरी है उन समय मैंने यहां पर इस ट्रिक को लगाया था, साथ ही यहां पर जो मैंने अभी स्टोरी लगा रखी है उस पर यहां पर आप व्यूज चेक करिए। ये ट्रिक लगाते हैं यहां पर जो ना भाई स्टोरी पर व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैंने इस वीडियो में आपको प्रूफ दिखा दिया, अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर मैंने इन स्टोरी में क्या ट्रिक लगाई है, ठीक है। गाइस यहां पर आप लोग करते हैं, आप सिंपल यहां पर प्लस आइकन पे क्लिक करते हो, फिर उसके बाद यहां पर आप स्टोरी पे क्लिक कर देते हो। स्टोरी पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब या तो यहां से डायरेक्टली आप कोई स्टोरी शूट कर लेते हो, फिर यहां पर आप एक काम करते हो, आप सिंपल यहां पर गैलरी में जाते हो एंड यहां से गैलरी से कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप में इसका सारे बंदे इस पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर म्यूजिक पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर कोई सॉन्ग वगैरह लगाते हैं एंड डायरेक्टली स्टोरी को शेयर कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही होती है जिसकी वजह से आपके व्यूज नहीं आते स्टोरी पर। आपको करना क्या है भाई, जब कभी भी आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के लिए जाओ, आपको सिंपल यहां पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टिकर वाले ऑप्शन
पे क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लोकेशन का, मेंशन का, एड योर्स, सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन, फ्रेम्स, गिफ्ट, भाई जितने भी ये फीचर है ना, अगर आप इनका यूज करोगे इनसे तो आपके स्टोरी व्यूज बढ़ते ही है। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे यहाँ पर 100% आपकी स्टोरी वायरल होगी, साथ ही यहाँ पर आपको आपकी स्टोरी पर तुरंत ही असर दिखाई देगा, इनके तुरंत ही व्यूज बढ़ते दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन सब फीचर्स का यूज करके भी आप अपने स्टोरी व्यूज बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने इन सब फीचर का यूज करके अपनी स्टोरी को वायरल किया है या फिर अपनी स्टोरी के व्यूज को बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन उनमें से एक मेन फीचर है, अब वो फीचर क्या है वो यहाँ पर भी आपको शो कर देता है, बट उसके लिए यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर करना गया आपको सिंपल इसको बैक कर देना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको करने गए आपको सिंपली मेरी आईडी को सर्च कर लेना है टैग वसीम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हमारे अकाउंट की हाईलाइट में एक ऑप्शन मिलेगा एड योर्स का, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इस हाईलाइट स्टोरी में काफी सारे एड्स योर टेम्पलेट्स को ऐड किया हुआ है, जिनको यहाँ पर 3 मिलियन प्लस बंदों ने यूज किया है, या फिर यहाँ पर आप देखें यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं 2.9 मिलियन, यानी कि 29 लाख लोगों ने इस एड योर्स को यूज किया है, यानी कि 29 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एड योर्स टेम्पलेट्स को अपनी स्टोरी पर लगाए, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर मैंने और भी टेम्पलेट्स को ऐड कर रखा है, एंड यहाँ पर मैं और भी अच्छे अच्छे वायरल टेम्पलेट्स ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। एंड इनका वर्क क्या है, इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपको करने क्या होता है, आपको सिंपल यहाँ पर एड योर्स पे क्लिक करना होता है, जिसे आप इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आप यहाँ से कोई मतलब वीडियो वगैरह भी शूट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आपको करने के भाई आपको सिंपल यहाँ पर गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद यहाँ से किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। आपने ये फोटो ले लिया, आप इसको कुछ इस तरह से अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, म्यूजिक पर क्लिक करना होता है, म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ से कोई एक सॉन्ग लगा लेना है अच्छा से, ठीक है, एंड इस स्टोरी को शेयर कर देना है। अब यहाँ पर होगा क्या भाई, ये मतलब कुछ इस तरह से वर्क करता है, जितने भी बंदे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने बंदे इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है, इस एड योर्स टेम्पलेट के अकाउंट पे क्लिक करके काफी बंदों के अकाउंट को विजिट करते हैं एंड उनकी स्टोरी को सीन करते हैं, यानी कि देखते हैं कि आखिर इस बंदे ने क्या लगा रखा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए सब बंदों ने मतलब कुछ ना कुछ लगा रखा है, कुछ इस तरह से यहां पर सबकी आपको अलग अलग पिक्चर देखने को मिल जाएगी, तो कुछ इस तरह से यहां पर काफी बंदों के स्टोरी व्यूज बढ़ते हैं एंड वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करके आपको फॉलो भी करते हैं। अब वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई है, ठीक है, मैं इनकी स्टोरी पे क्लिक करता हूं एंड डायरेक्टली यहां से इनके अकाउंट को विजिट करके इनको फॉलो भी कर सकता हूं, ठीक है। एंड अगर आप चाहो भाई ऐसा टेम्पलेट आप खुद का भी बना सकते हो, इस तरह का टेम्पलेट खुद का आप कैसे बना सकते हो, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर काफी सारे वीडियो बनाए जिन वीडियो में मैंने आपको यह बताया कैसे आप खुद का एडवर्स टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह सब ट्रिक लगाओगे तो 100% आपकी स्टोरी पर व्यूज बढ़ेंगे, साथ ही आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया भाई कैसे आपको अपने स्टोरी व्यू बढ़ाने, सब कुछ मैंने आपको वीडियो में तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अभी तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।